नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए और फ्रेश वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपचार, एक ऐसा होम रेमेडी लेकर के आया हूं जिसके इस्तेमाल से आप एसिडिटी यानी कि कब्ज की समस्या से, गैस की समस्या से बहुत ही तेज़ी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, गैस की समस्या होने पर हमारे शरीर में कई सारे रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता है, जिससे कि आपका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है अपने काम को करने से। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा होम रेमेडी, एक ऐसा घरेलू उपचार लेकर के आए हैं जिसके इस्तेमाल से गैस की समस्या से 100% निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में आई हुई घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की जानकारियाँ जल्द से जल्द मिल जाया करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आपको इस रेमेडी को कैसे तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए एक क्लीन बॉल लेना होगा और फ्रेंड्स, इसमें आपको जरूरत पड़ती है वह दोस्तों ये जीरा की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जीरा हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जीरा में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि कब्ज यानी कि एसिडिटी की समस्या को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में जीरा का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आप इतनी मात्रा में जीरा ले लें और फ्रेंड्स, इतनी ही बराबर मात्रा में आपको जरूरत पड़ती है वह दोस्तों सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ भी हमारे पेट के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए रामबाण नुस्खा की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल से आपका भोजन बहुत ही तेज़ी से पचता है, जिससे कि आपके पेट में कब्ज यानी कि एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी मात्रा में सौंफ इसमें ऐड कर लेना होगा और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इस रेमेडी में तीसरी चीज़ लेनी होगी, वह है दोस्तों ये तिल। दोस्तों, आपको काला तिल पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पेट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके इस्तेमाल से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके साथ साथ आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपकी ढकार नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बराबर मात्रा में तिल की भी मात्रा लेनी होगी। दोस्तों, आप मात्रा का ख्याल रखें, आप तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लें और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें और फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आप इन्हें अपने हाथों पर इस तरह से मसल दें और फ्रेंड्स, इस तरह से मसल देने के बाद आप इसे पीस लें। दोस्तों, जब आप इसे पीस लेंगे तो दोस्तों एक पाउडर के रूप में तैयार होगा और फ्रेंड्स, पाउडर के रूप में जब आप तैयार कर लें तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले गुनगुना पानी लेना होगा और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इस रेमेडी में ज़रूरत पड़ती है वह है दोस्तों नमक की। दोस्तों, आप सीधा नमक ले तो दोस्तों ये ज़्यादा फायदेमंद होता है आपकी एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें स्वादानुसार नमक डाल लेना होगा और फ्रेंड्स, स्वादानुसार नमक डाल लेने के बाद आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है वह है दोस्तों आपकी बनाई हुई पाउडर। दोस्तों, जब आप पाउडर के रूप में उसे तैयार करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक चम्मच की मात्रा में इस पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आप एक चम्मच की मात्रा में पाउडर इसमें मिला दें और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल रोज़ाना सुबह करना है। खाना खाने से लगभग 2 घंटा पहले आप इसे पी लें और फ्रेंड्स, जब आप इसे पियेंगे तो दोस्तों इसके मात्र 10 से 15 मिनट के बाद आपकी कब्ज यानी कि एसिडिटी की समस्या खत्म होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी का सप्ताह भर इस्तेमाल करें, इसके बाद आपको कभी भी कब्ज यानी कि एसिडिटी की समस्या नहीं होगी।